एक प्रकार से हमारे अनेक महानुभाव ये बात बार बार कहते हैं कि भाई सदन चर्चा के लिए होना चाहिए, संवाद के लिए होना चाहिए, विचार विमर्श के लिए होना चाहिए, तीखे से तीखे स्वर में विवाद हो, कोई उससे नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन आवश्यक है कि रुकावटों के बजाय हम संवाद का रास्ता चुने। मैं आज, हो सकता है मैं जिनका उल्लेख कर रहा हूं इसके सिवाय भी लोग होंगे, लेकिन मैं दो दलों का आज मैं उल्लेख करना चाहूंगा, एक एनसीपी और दूसरा बीजेडी, और किसी का नाम छूट जाए तो मुझे क्षमा करना, लेकिन मैं दो का उल्लेख कर रहा हूं। इन दोनों दलों की विशेषता देखिए, उन्होंने खुद ने डिसिप्लिन तय किया है कि हम वेल में नहीं जाएंगे, और मैं देख रहा हूं एक बार भी उन्होंने एक भी सदस्य ने नियम को तोड़ा नहीं है। हम सभी राजनीतिक दलों को सीखना होगा, इंक्लूडिंग माय पार्टी, हम सबको सीखना होगा कि ये नियम का पालन करने के बावजूद भी न एनसीपी की राजनीतिक विकास यात्रा को कोई रुकावट आई है, न बीजेडी की राजनीतिक विकास यात्रा को रुकावट आई है। मतलब वेल में न जाकर के भी लोगों के दिल जीत सकते हैं, लोगों का विश्वास जीत सकते हैं, ये, और इसलिए मैं समझता हूं इंक्लूडिंग ट्रेजरी बेंच, हम लोगों ने ऐसी जो उच्च परंपराएं निर्माण जिन्होंने की है उनका कोई राजनीतिक नुकसान नहीं हुआ है, क्यों ना हम उनसे कुछ सीखें। हमारे सामने मौजूद है, और मैं चाहूंगा कि हम भी वहां बैठे थे तो हमने भी वो काम किया है, और इसलिए मैं सारे सदन के लिए कह रहा हूं कि हम एनसीपी बीजेडी दोनों ने जो ये बहुत उत्तम तरीके से इन चीज को डिसिप्लिन फॉलो किया, ये कभी न कभी इसकी चर्चा भी होनी चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए। और मैं मानता हूं आज जब 250 सत्र कर रहे हैं तो ऐसे उत्तम जो घटना है उसका जिक्र होना चाहिए और लोगों के ध्यान में लानी चाहिए। मुझे विश्वास है कि सदन की गरिमा की दिशा में जो भी आवश्यक है उसको करने में सभी सदस्य अपनी भूमिका अदा करते रहते हैं, आपकी वेदना व्यथा प्रकट होती रहती है। हम सब कोशिश करेंगे इस 250वें सत्र पे हम सब संकल्प लेंगे, विशेष करके हम लोग भी लेंगे, ताकि आपको कम से कम कष्ट हो, आपकी भावनाओं का आदर हो, और आप जैसा चाहते हैं वैसा ये सदन चलाने में हम आपके एक साथी बन करके सारे डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए करने का प्रयास करें। इस संकल्प के साथ मैं फिर एक बार इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और जिन्होंने यहां तक पहुंचाया है उन सबका धन्यवाद करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं।